अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम लोगों ने एक रात बुरसा में जो है वो गुजारी। अब हमने चेकआउट कर दिया, लेकिन सामान अभी हमने पिक नहीं किया। हम जा रहे हैं अभी उस्मान गाजी की मज़ार पे, और इसके बाद वापसी में जो है वो हम सामान पिक करेंगे, और इसके बाद फिर हमारी शाम को 6 बजे फेरी है, और फिर हम जो है वो चले जाएंगे इस्तांबुल। वॉकिंग डिस्टेंस है उस्मान गाजी, और हम वॉक करते हुए जा रहे हैं। वो जो सामने मज़ार है वो उस्मान गाजी का मज़ार है, और उस्मान गाजी के साथ ही औरान गाजी का भी मज़ार है। जिस तरह साउथ में ये सारी चीज़ें मिलती हैं, इस तरह उस्मान गाजी की मज़ार के बाहर भी ये सारे वुडन प्रोडक्ट्स बच्चों के लिए जो हैं वो यहाँ पे मिल रहे हैं। बल्कि कैप्स के साथ साथ एल्फ का यूनिफॉर्म भी जो है वो यहाँ पे अच्छा। ये बिल्कुल उस्मान गाजी के मज़ार के बिल्कुल सामने है ये शॉप। ये सारी यहाँ पे टोपियाँ हैं, टर्किश स्कार्फ भी हैं। हालिम सुल्तान जैसा ड्रेस भी है। दिस कैप हाउ मच? 60 ओरिजिनल लेदर। मज़ार की एंट्रेंस है, ठीक है, और ये मज़ार के अंदर हम एंटर हो गए। अच्छा, यहाँ पे कोई सरमनी भी चल रही है, या तो जो परेड होती है इनकी, या तो ये इनकी ड्यूटी चेंज हो रही होगी। ये मज़ार है, और यहाँ पे इनके जो और साथी हैं उनके भी कब्रें हैं। ये प्रेड चल रहा है इनका। Thank you.
अंदर मैं आप लोगों को तो ऑब्वियसली कुछ नहीं बता सका, कुरान की तिलावत चल रही थी। अंदर जैसा कि आपने देखा कि उस्मान गाजी की कब्र है और साथ में जो है वो उस्मान गाजी के बच्चों की भी है कब्र। कुछ दिन पहले तक जो है वो बंद किया हुआ था इन्होंने, इसका भी दरवाज़ा बंद किया हुआ था, बाहर से ही जो है लोग फातिहा पढ़ रहे थे, लेकिन आज हम आए तो ये इन्होंने खोल दिया, ओपन है। अच्छा, जिस तरह सऊद है, सऊद के लिए जो है वो हमें काफ़ी दूर जाना पड़ता है, एक विलेज के अंदर है, लेकिन आप बुरसा के अंदर वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर जो है वो यहाँ पे आ सकते हैं उस्मान गाजी के मज़ार पे। ये बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस है, हार्डली हम कुछ 10 मिनट चले होंगे और इसके बाद फिर ये मज़ार आ गया है। हम इस मेन गेट से एंटर हुए थे तो जो लेफ़्ट साइड पर था मज़ार, जिसके अंदर हमने अभी आपको दिखाया जाके, तो वो उस्मान गाजी का मज़ार था। ठीक है, ये जो सामने आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन, ये लेफ़्ट है, ये मेन एंट्रेंस है, इससे लेफ़्ट पे जो है वो उस्मान गाजी का मज़ार है और ये राइट के ऊपर जो है वो ओरहान गाजी का मज़ार है, ओरहान गाजी तुर्बेसी। यहाँ पे भी अंदर हम जाते हैं, यहाँ पे इनके फैमिली के बच्चों के और भी कब्रें हैं, वाइफ ऑफ गाजी और हान नीलोफर खातून। ये है ओरहान गाजी ओटोमन सुल्तान, ये है ओरहान गाजी, ये ओरहान गाजी की कब्र है ओटोमन सुल्तान, इनका टेन्योर लिखा हुआ है और ये इनकी फैमिली की कुछ कब्रें हैं यहाँ पे। ये मज़ार है और मज़ार के साथ ही बिल्कुल ये एक पार्क टाइप का बना हुआ है छोटा सा। ये हैशटैग बुरसा जिसके साथ सब पिक्चर्स ले रहे होते हैं और यहाँ से जो है वो बुरसा का सिटी व्यू भी मिलेगा, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये ले जी बुरसा का व्यू, ये है बुरसा, तो आज हमने आपको उस्मान गाजी का मज़ार भी दिखा दिया और अब हमारी जो है वो यहाँ से वापसी है और अब हम जो है वो जा रहे हैं एक और पॉइंट पे इंशाल्लाह, तो वहाँ पे हम आपको एक और नई वीडियो बना के दिखाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।